मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण आदेश के आधार पर अब होंगे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव। सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई हुई, सुनवाई में याचिकाओं का निराकरण कर दिया गया। आपको बता दूं कैसे निराकरण कर दिया गया। कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि सुनवाई का आधार इसलिए नहीं बचता क्योंकि सरकार ने अपना ऑर्डिनेंस वापस ले लिया है। पंचायत चुनाव में मध्य प्रदेश में रोक लग गई थी, ये भी आपको पता है, रोक लगाई क्यों गई थी, अध्यादेश वापस हुआ था, फिर चुनाव आयोग ने भी रोक लगाई थी चुनाव पर। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले मामला गया था, आपको पता है, हाई कोर्ट होते हुए ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का उस दौर में आदेश आया था, पुराने रोटेशन के आधार को बनाया गया था विषय याचिका में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो ये सुनवाई हुई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है याचिकाओं का, एक तो निराकरण कर दिया गया है कि अब चूंकि ऑर्डिनेंस वापस हो गया तो सुनने का आधार नहीं बचता। लेकिन आम भाषा में आप इसको ऐसे समझिए कि अब कैसे चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव, तो वो ऐसे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक निर्देश दिया है उसका पालन करते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट की बात कही है। ट्रिपल टेस्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं, यानी कि जिस आबादी के आरक्षण की बात हो रही है उनको 3 कसौटियों पर सरकार को अपने स्तर पर जानकारी देनी होगी। आबादी का आरक्षण कितना है, नौकरी में कितना प्रतिनिधित्व है ओबीसी की अगर बात कर रहे हैं, ये जानकारी पिछड़ा वर्ग आयोग को देनी होगी, पिछड़ा वर्ग आयोग फिर उसके आधार पर सिफारिश देगा। तो ट्रिपल टेस्ट जो है ये चीज, इसका पालन करते हुए ही मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए इलेक्शन कमीशन के रुख को हमें समझना पड़ेगा। चुनाव आयोग के जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, सिद्धार्थ सेठ, वो बता रहे हैं विस्तार से कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्देश दिया है इसके बाद कैसे क्या होगा, समझिए। देखिए, आम अवधारणा में क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर आधारित है और वो जजमेंट आज या कल का नहीं है, वो जजमेंट कृष्णमूर्ति में भी आ चुका है और उसको गौली में फॉलो किया है, और उन दोनों विभिन्न जजमेंटों का पालन इन दिशा निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने करने को कहा है। ऐसी स्थिति में आप लोग जानते ही हैं, इस पे मेरा बोलना उचित नहीं होगा, बट जो आम धारणा है वो यही है कि कमीशन स्थापित होती है, कमीशन को कुछ पैरामीटर्स दिए जाते हैं, उन पैरामीटर्स का अध्ययन करने के बाद डेटा के फलस्वरूप एक पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है उस जजमेंट में, और उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि कितना परसेंटेज इनको दिया जाएगा। जो परसेंटेज दिया जाएगा उसे सरकार नोटिफाई करती है, और क्योंकि परिसीमन और आरक्षण राज्य सरकार करती है, तो जैसे ही परिसीमन और आरक्षण की पूर्ण प्रक्रिया हो जाती है तब चुनाव आयोग उसमें अपनी वोटर लिस्ट बनाते हुए चुनाव कराता है। तो जो भी प्रक्रिया की जाएगी वो पूर्णतः संविधान के दायरे में ही करना है। ये न केवल चुनाव आयोग का कर्तव्य है बल्कि राज्य सरकार और कमीशन का भी कर्तव्य है। देखिए, जो चुनाव कराए जा रहे थे पंचायत के, वो एक ऑर्डिनेंस पे आधारित थे। वो ऑर्डिनेंस रिजर्वेशन से संबंधित था जिसके तहत हमको चुनाव कराने थे और चुनाव घोषित भी हुए थे, बट क्योंकि वो ऑर्डिनेंस इटसेल्फ वाज विड्रॉन, वो ऑर्डिनेंस को राज्य सरकार ने विड्रॉ कर लिया, तो कई परिस्थितियाँ उनमें चेंज आया, डिलिमिटेशन चेंज हुआ, उसी के तहत रिजर्वेशन भी चेंज हुआ। ऐसी कई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब वो परिसीमन ही चेंज हो गया तो उस आधार पर चुनाव कराना उचित नहीं था। इस पे कमीशन ने अपनी लीगल ओपिनियन ली और कमीशन ने पूरा अध्ययन करने के उपरांत ये देखा कि क्या चुनाव कराना ऐसी स्थिति में उपयुक्त है कि नहीं। चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया कि इन परिस्थितियों में चुनाव इसलिए नहीं कराए जा सकते क्योंकि ऑर्डिनेंस के विड्रॉल के बाद 18 और 19 की परिस्थिति वापस स्थापित हो गई, जिसके तहत लगभग 1100 से 1200 नई पंचायतें थीं। तो अगर हम ये चुनाव प्रक्रिया आगे भी ले जाते हैं तो उन 1100 पंचायतों के तो चुनाव हो नहीं रहे। ऐसी कई विभिन्न परेशानियां थीं जिनको ध्यान में रखते हुए, संवैधानिक दायित्वों को निर्वाह करते हुए, हमने ये अपना रिप्लाई माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा था और हमने अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट भी रखी थी कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार ही चुनाव करा रहे थे, मगर क्योंकि ऑर्डिनेंस का विड्रॉल हुआ है ऐसी स्थिति में ये संवैधानिक दृष्टिकोण से भी ये उपयुक्त नहीं था कि हम ये चुनाव को आगे लेके जाते हैं, तो इसलिए वो चुनाव निरस्त किए गए। और निरस्तीकरण आदेश के आखिरी पैराग्राफ में चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं गौली और कृष्णमूर्ति जजमेंट को आधार बनाकर आगे चुनाव कराने के, जिसमें ट्रिपल टेस्ट का पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है, उसका पूर्ण पालन चुनाव आयोग करेगा जब भी कोई चुनाव घोषित किए जाएंगे। वर्तमान में जब भी चुनाव कराए जाएंगे उसमें चुनाव आयोग
ट्रिपल टेस्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पूर्ण पालन करेगा, ऐसा हमने कोर्ट के समक्ष रखा था। आज क्योंकि वो पिटीशन सिर्फ ऑर्डिनेंस पर आधारित थी जो कि राज्य सरकार का था और वो ऑर्डिनेंस विड्रॉ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वो सारी याचिकाएं इनफ्रक्चुअस हो गई थी, तो कोर्ट ने उनको निराकृत कर दिया है कि अब क्योंकि ऑर्डिनेंस ही विड्रॉ हो गया है और दूसरा चुनाव निरस्त हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में इन चुनाव याचिका इन याचिकाओं में कुछ बचता नहीं है। मगर कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कहा है कि आगामी जो भी चुनाव होंगे लोकल बॉडीज के, उसे जब भी कराया जाए तो ट्रिपल टेस्ट का पूर्ण पालन किया जाए, जो कि कृष्णमूर्ति और गौली के जजमेंट में स्पष्ट है। सुना आपने सिद्धार्थ सेठ, उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट का आधार कहा है, उसका पालन किया जाएगा। वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार परिसीमन करवा रही है, उसके बाद जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हैं उसके आधार पर ये चुनाव जो हैं वो संपन्न कराए जाएंगे। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ, जबलपुर से धीरज शाह ने आप तक एक बार पहुंचाई है, आप देखते रहे अभी तक।